डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, विश्व के सभी साई भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं और मेरा अभिवादन आप स्वीकार करें, ये मैं आपसे विनती करता हूं। अभी तक लगातार 5 महीने से साई वाणी का प्रारंभ किया और जारी रखा, इसी विचारधारा के प्रति मैं विश्व से हर एक साई भक्त से जुड़ने का आस्था के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। और मुझे बड़ी इसमें खुशी हो रही है कि हजारों करोड़ों लोग साई के भक्त जुड़ रहे हैं और इसमें हम जीवन बदलने की क्रांति कर रहे हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और हमारे पास आज जीवन बदलने का संकल्प है, इसलिए साई वाणी को प्रारंभ किया है और जारी रखा है। गुरु मंत्र ही रखा है, प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा के प्रति शास्त्र संबोधन मार्गदर्शन बड़ी बड़ी पांडित्य की भाषाएं मैं नहीं करूंगा। मेरा कोई मनोरंजन करने का प्रयास नहीं, मैंने बहुत पहले कहा है, लेकिन एक बात मैं आज विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे हजारों करोड़ों भाइयों को जीवन बदलने की कला अध्यात्म के रूप पर ध्यान और मेडिटेशन करके, क्रिया और ध्यान करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कला। और इसी विचारधारा के प्रति जो भी मैंने चिंतन करके 110 के ऊपर जो किताबें लिखी है saiwanitrust.org, इसके ऊपर उपलब्ध है। मैं सबसे विनती करना चाहूंगा कि पुस्तक एक ऐसी कला है जो अपने जीवन में बदलाव लाती है, क्रांति लाती है, और इसी के लिए 1008 सेंटर्स शुरू करने का जो प्रारंभ हमने किया, उसके बहुत अच्छी तरह से पूरे विश्व से मेरे सभी भाई बहन मुझे सहयोग कर रहे हैं। खासकर मैं महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के 28 राज्यों से मैं विनती करूंगा कि अपने राज्यों में, अपने घर में, अपने बगीचे में, अपने उद्यानों में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने यूथ ग्रुप में, अपने फोरम में ये साई की विचारों की, ध्यान की और क्रिया की क्रांति होनी चाहिए। ये क्रांति बहुत आसान क्रांति है। हम बहुत सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पांडित्य की बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते। मैंने ऐसे कितने लोग देखे जो बोलने में तो बहुत पंडित होते हैं लेकिन कृति में शून्य होते हैं। क्या फायदा उस ज्ञान का? अरे आप किसी पोपट को या पैरेट को, अगर किसी तोते को भी घर लाओगे और उसको कुछ चार चंद श्लोक सिखाओगे, वो आपसे ज्यादा अच्छे कुछ दिनों में बोलने लगेगा, लेकिन इसका मतलब उसको अकल थोड़ी ना आएगी। मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, आप तोता मत बनो। अगर बनना है तो एक वचन को अपने जीवन में आत्मसात करो और उसी के ऊपर चलो। और इसीलिए मैंने गुरु मंत्र दिया है, प्रारंभ करो जारी रखो। यह प्रारंभ करना है विचारों के प्रति, सक्सेस के प्रति, साधना के प्रति, ध्यान के प्रति, अपनेपन से प्रति और अपने विचारों के प्रति। अभी अभी मैं छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता। लगभग और हड़बड़ी बहुत हर एक को है, हर एक बहुत जल्दी पहुंचना चाहता है। अभी अभी मैं कुछ नांदेड़ के एक जगह पे मैं गया और वहां मैंने साई वाणी को संबोधित किया तो कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा, सुनील जी पिछले 1 महीने से मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन पूरा ध्यान नहीं लग रहा है। मैंने कहा, पूरा ध्यान नहीं लग रहा है मतलब थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा। हाँ, उन्होंने कहा पहले तो मैं बैठ नहीं पाता था लेकिन अभी 10-20 मिनट बैठता हूं, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने कहा, और क्या क्या हुआ? बोले पहले बहुत विचार मन में आते थे, अभी भी आते हैं लेकिन थोड़े बहुत कम हो गए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तीसरी बार मैंने पूछा, और क्या हुआ है? बोले पहले कभी कभी बहुत मैं निगेटिव फील करता था, अभी ज्यादा तो कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अभी अच्छा लगने लगा है, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसको कहा, बेटा तेरे जिंदगी में पूरा भी फर्क पड़ेगा ना तो तू मेरे पास आके यही कहेगा कि अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जो लोग नकारात्मक सोचते देखते हैं, निगेटिविटी के साथ जीते हैं, वो लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। अपने जीवन में पंचसूत्री का लक्ष्य मैं आज आपको दे रहा हूं,
सबसे पहले साई वाणी क्यों सुनना है। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं के ऊपर मैं बहुत चिंतन करके साई बाबा का आशीर्वाद लेके आपके साथ वार्तालाप करता हूं। मैं आज छोटी सी कहानी कह के आपको मंत्रमुग्ध करके नहीं बल्कि आपको ध्यान का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र देने का प्रयास करने वाला हूं, और वो कहानी आप शांति से सुन लीजिएगा। बहुत मीठी और प्रीतिपूर्ण कहानी है। एक राजा होता है और उसका एक वजीर होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत चाहते हैं। वजीर राजा को बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय पे बहुत अच्छे अच्छे उसके कार्य करता है, तो राजा उसके प्रति बहुत आदरयुक्त प्रीति रखता है। राजा और वजीर दोनों जंगल में सैर करने के लिए चले जाते हैं। जंगल में थोड़ा सा दूर जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको खाने को दो पैर तक कुछ नहीं मिलता है और एक पेड़ सामने दिखता है। उस पेड़ में एक ही फल होता है। वो फल देख के दोनों भी खुश हो जाते, बोले आधा आधा खाएंगे तो पेट भर जाएगा, बाकी शाम में राजमहल जाके खाएंगे। राजा बोलता है कोई बात नहीं, निकाल ले फल। वजीर ऊपर चढ़ता है, फल निकाल देता है और छोटे से उसका एक पार्ट निकाल के खाने को लग जाता है, क्योंकि वजीर सोचता है पहले मैं खा के देखूं कैसा है, फिर राजा को खिलाऊंगा। फिर वो खाने को लगता है तो उसने जैसे ही मुंह में डालता है उसको पता चलता है बहुत कड़वा फल है। राजा को दूंगा तो राजा का स्वाद खराब हो जाएगा और इतना कड़वा फल शायद सेहत के लिए भी अच्छा ना हो, इसलिए वो एक टुकड़े को खा लेता है। फिर वजीर कहता है राजा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूसरा भी खाना है। राजा कहता है कोई बात नहीं, दूसरा भी खा ले। फिर वो दूसरा भी खा लेता है। फिर उसको लगता है मैं राजा को ये फल दे ही नहीं सकता, इतना कड़वा और गंदा फल है, इसलिए वो तीसरा भी खाना लगता है। और जब चौथा खाने लगता है तो राजा उसके हाथ से खींच लेता है और बोलता है तू क्या पागल हो गया, मुझे भी भूख लगी है, तू अकेला ही खाते जा रहा है, अकेला ही खाते जा रहा है, ये बात तो गलत है। और फिर उसके वजीर के हाथ से खींच लेता है और खींचने के बाद राजा खुद अपने मुंह में एक छोटा सा उसका बाइट्स लेता है, खाने को ले लेता है, टुकड़ा लेता है और तुरंत उगर के बाहर फेंक देता है। बोलता है तू पागल है, इतना कड़वा फल तू कैसे खा रहा है और मुझे बता रहा है कि बहुत अच्छा है। तो वजीर नम्रता के साथ कहता है राजा तेरे साथ रह के तूने इतने हजारों अच्छे फल खिलाए, एक कड़वा फल खिलाया तो क्या हुआ। भाई और बहनों, जिंदगी में इतनी खुशी आपको भगवान ने दी तब आपको भगवान की याद नहीं आई, और कभी कोई दुख होता है तो भगवान ने मेरे साथ ही अच्छा ये बुरा क्यों किया कहते हो। जब इतनी खुशियां तुझे दी थी तो तूने क्यों नहीं बोला कि इतने मुझे अच्छी खुशियां क्यों दी। यही तो विचार है। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ना मुझे कोई बांटना है। मुझे हां आपकी जीवन में जिंदगी बदलनी है और उसके लिए आज से ही आपको सही क्रिया करनी है। हर गुरुवार को और हर रविवार को शाम को 6 से 7 और 7 से 8 बजे हमारा सेंटर शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर 2023 से। आप सबको मैं खुद ये जो गाइडलाइन दे रहा हूं, जो मार्गदर्शन कर रहा हूं, उसी तौर पर आपको सेंटर शुरू करना है और उसमें 1 घंटा 20 मिनट साई वाणी सुननी है, 20 मिनट साई क्रिया करनी है और 20 मिनट में आखिरी में आपको साई ध्यान करना है। बस 1 घंटा जिंदगी बदल जाएगी। ये करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तूफान आने से आपकी साइकिल अगर पंक्चर है तो आपको हवा खुद के पंप से भरनी पड़ेगी, तूफान से हवा नहीं भरेगी। साई वाणी शायद तूफान हो सकता है भाई और बहनों, लेकिन पंप से हवा भरना आपके लिए आप खुद ही अभ्यास करोगे तो ही जीवन बदल पाओगे। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा आत्मविश्वास है आप सब लोगों के ऊपर और खासकर उन नौजवानों के ऊपर जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। मेरे भाई बहन, इसके लिए मैंने साई वाणी ट्रस्ट ORG की स्थापना की है। इसके माध्यम से मैं हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा हूं और ये साई वाणी trust.org ई-कॉमर्स है। इस ई-कॉमर्स से आप वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, व्यापार उद्यम कर सकते हैं और अपने घर में अपने लोगों का परिवार का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड्विकारों को छोड़ना पड़ेगा और उसको छोड़ने के लिए आपको दिया जलाना पड़ेगा और वो दिया है क्रिया और ध्यान का दिया। इसीलिए मैंने गुरु मंत्र दिया है, प्रारंभ करो जारी रखो। बस इस मंत्र को रटे जाओ, शांत हो जाओगे ऑटोमेटिकली, बहुत शांत हो जाओगे। इतने शांत हो जाओगे तो सब प्रश्न के उत्तर आपको खुद को ही मिलेंगे। मैं कौन होता हूं आपका जीवन बदलने वाला? जीवन कोई किसी से बदला होता तो इस दुनिया में सब लोग अच्छे होते भाई और बहनों। अपने ऊपर जब खुद काम करने नहीं जाओगे, हां मैं दार्शनिक के लिए तरह छोटा सा रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूं,
और वो रास्ता दिखाना है, सिर्फ मेडिटेशन तक आके पहुंचाना है। क्योंकि मराठी में हिंदी में कहावत है, घोड़े को पानी तक लेके जाना अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन पीना क्या नहीं पीना घोड़े को तय करना है। आप मुझे सुनोगे, अगर कुछ अभ्यास नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। साई बाबा उन्हीं भक्तों को आशीर्वाद देते हैं जो भक्त मेहनत करता है, प्रयास करता है और सातत्य के माध्यम से खुद के ऊपर। इसीलिए मैंने वो बहुत विचार पूर्वक मैंने उसकी स्लोगन बनाई है, प्रारंभ करो मतलब शुरुआत करो और जारी रखो मतलब सातत्य के साथ करते रहो उस कार्य को। इसीलिए वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, अरे जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन में अपने को दिया जलाना पड़ेगा और वो दिया, पहला दिया है विचारों का, दूसरा दिया है वो क्रिया का, तीसरा दिया है ध्यान का, चौथा दिया है कर्म का और पांचवा दिया है जीवन का। जीवन कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो प्रवास है उसी को मैं जीवन कहता हूं। और इसी जीवन में जीने के लिए भाई और बहनों आपको एक मार्ग की जरूरत है और वो साई वाणी एक मार्ग है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन मुझे तभी खुशी होगी जब वो अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास में सबसे पहला चरण है saiwanitrust.org से संपर्क करके वो पोस्टर आप ले ले, जो पोस्टर आप अपने सामने रखे जिसमें साई बाबा की बहुत सुंदर ऐसी प्रतिमा होगी, उसमें सभी मैंने क्रिया का क्रम दिया है और उसी के नीचे जो मैंने गाइडलाइन दी है उसकी गाइडलाइन आपको सुननी पड़ेगी। क्योंकि गाइडलाइन के बगैर, अच्छे और ज्ञानी टीचर्स के बगैर आपको ज्ञान नहीं मिलता है। और यह ज्ञान होता है ध्यान का। इसीलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडव क्षेव किम कुरुवत संजय। जब धर्म क्षेत्र पे भी क्या चल रहा था जब पूछा, तो उस प्रकार आपके जीवन में क्या चल रहा है मैं यहां से बैठ के आपको कहना चाहता हूं। समस्या मैंने आज मेरे भाई खासकर उन्होंने कुलदीप सिंह अरोरा जी ने पूछा है, वो चंडीगढ़ से मेरे मित्र है और बहुत अच्छे मित्र है, तो मुझे हमेशा पूछते रहते हैं। उन्होंने इस बार प्रश्न पूछा है, सुनील जी कहां से शुरुआत करूं पता नहीं चलता है। मैंने कहा जहां है भाई वहीं से शुरुआत कर, तू पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। गौतम बुद्ध जी ने कहा है अप दीप भव, अपना दिया जलाओ दूसरों के दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने दिन दूसरों के दिए पे चलोगे, कितने दिन मांगी हुई रोटी से खाना खाओगे। अरे तेरे हाथ में हिम्मत है रोटी कमाने को, चल तू चल आके, तेरे की जिंदगी दिखल जाएगी, सवर जाएगी। जो भक्ते भटकते हुए आत्मा है, भटकते हुए लोग है, भटके हुए इंसान है, उनको एक ही रास्ता है, वो है ध्यान का रास्ता। साई बाबा अभी इस सदी में इतना ही कहते हैं, आओ भक्तों श्रद्धा और सबूरी रखो, सबका मालिक एक रखो, मानवता का धर्म रखो और प्रारंभ करो और जारी रखो, बस जीवन पहुंच जाओगे। पता ही नहीं चलेगा आप कब पहुंच गए, जहां जाना है। घर गाड़ी बंगला तो बहुत बेसिक चीज है, मैं बहुत ही विचार पूर्वक आपको विश्वास देना चाहता और कुलदीप जी मैं आपके साथ हूं, आप आज जो है वही से शुरुआत करो, हर दिन उसके ऊपर काम करो, देखो एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे भटक जाओगे ना भाइयों, कुछ भी नहीं बनोगे। किसी के तरफ बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसका हुनर अलग है, तेरा हुनर अलग है। अगर तू उसकी तरह से बनने जाएगा बेटा, तो तू जो बनना चाहता था वो भी नहीं बन पाएगा। तू तेरे ऊपर विश्वास रख बंदे, सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास रख और साई के ऊपर छोड़ दे। अगर भगवान कृष्ण को जब अर्जुन के सारथी बने, तो अर्जुन ने कहा है भगवान अभी आप सब तेरे हवाले, और उनके सार्थ का रथ का सारथ्य किया, उनकी रस्सी हाथ में ली घोड़ों की, अर्जुन शांत हो गया और जीत गया। साई वाणी आपके जीवन का सारथी है भाई और बहनों, साई बाबा आपके जीवन का आशीर्वाद है। माथा रखो, अच्छे विचार रखो और जीवन में क्रांति करो, लेकिन प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो, इस विचारधारा को मत भूलो। एक दिन किया दूसरे दिन भूल गए, आज ये करना है कल वो करना है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक ही चीज को ठान लो और उसके लिए जीवन लगा दो, देखो एक दिन जीत वो जिंदगी तेरे सामने आ जाएगी। और उसी में विश्वास है, उसी में शक्ति है, उसी में भक्ति है और उसी में एक विचारधारा है मानव को कल्याण करने की है। हमेशा दूसरों का कल्याण सोचो, आपका कल्याण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा आप सबको, आखिरी में प्रारंभ करो जारी रखो, विचारधारा यही है। ओम साईं राम, प्रारंभ करो जारी रखो। प्रणाम।
ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहां साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहां निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साईवाणीtrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साईवाणीtrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो।